हल्दी में जनवरी 2021 से अब तक 22 से 23 फीसदी की तेजी देखने को मिल चुकी है। हल्दी की बुआई और कैरी ओवर स्टॉक दोनों ही अच्छे हैं, जिसके चलते कुछ महीने पहले हल्दी की कीमतों में अच्छी तेजी भी बनी थी, लेकिन कीमतें 8500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई थी। हल्दी के ठीक ठाक स्टॉक रहने की वजह से वायदा बाजारों में हल्दी की कीमतों में एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। वहीं पिछले हफ्ते दक्षिण भारत में बारिश हुई थी, जिससे हल्दी की कीमतों को कुछ सपोर्ट भी मिलता नजर आया था। वहीं बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक 2021 के अंत तक यानी कि 1 से 2 महीनों में हल्दी में ऐसा कोई खास कारण बनता नहीं दिख रहा है जिससे इसकी डिमांड में कोई अच्छी तेजी आए और इसकी कीमतों में कोई खास तेजी देखने को मिल सके। 2021 के अंत तक इसकी कीमतें 7000 से लेकर 7650 तक के सीमित दायरे में कारोबार करेंगी। अजय केडिया के मुताबिक जनवरी 2022 से हल्दी की डिमांड में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन उस समय आवकों का प्रेशर भी रहेगा, जिससे कीमतों में मिला जुला रुझान ही रहेगा। जब तक कि कोई अच्छी निर्यात मांग निकल कर नहीं आती है, हल्दी की कीमतें ऐसे ही कारोबार करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।